अभी हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पे एक मंदिर है बहुत प्यारा सा, जटाशंकर है। गाइज यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा मंदिर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ की स्टोरी बता देता हूँ। हाँ भैया, अभी जो गुफा देखा है आप लोगों ने, जो गुफा निकली है 14 किलोमीटर लंबी, जहाँ से शंकर भगवान भक्तासुर से बचने के लिए, जहाँ से गुप्त होके गए थे तो वो निकले थे गुप्त महाधम। हाँ, तो जहाँ से गुप्त होके गए अपन चले थे ना, पड़ा गुप्त महाधम। जटा शंकर इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर भगवान ने अपनी जटा पे छोड़ा, मतलब बालू, इसलिए जहाँ पड़ा जटा शंकर। अभी आप लोग जिस गुफा के नीचे खड़े हैं, इस गुफा को बोलते हैं शेषनाग गुफा। आप लोग शेषनाग के फन के नीचे खड़े हुए हैं इसलिए इस गुफा को बोला जाता है शेषनाग गुफा। आप पीछे घूम जाइए, पीछे देखेंगे गाइस, ये रहा मगरमच्छ का फेस जो कि आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। 15 फीट का बना हुआ है जहाँ से लेकर उस कोने तक। अरे हाँ, ये पूरा मगरमच्छ के ऊपर जो छोटे छोटे 108 शिवलिंग निकले हुए हैं जिसको बोलते हैं शंकर भगवान की जटा है। तो शिवलिंग को जटाओं का महत्व दिया गया है। जटा शंकर का मेन मंदिर सामने है, तो आप लोगों को इस गुफा से जाना और वहाँ से निकलना है। ठीक है भैया, इधर से जाइए और ऐसे घूम के आइए। ठीक है भैया, थोड़ा डाउन होकर जाना है, निकलना कहाँ से। ठीक है भैया, गाइस मिलते हैं नीचे। अभी भीड़। सो गाइस ये है यहाँ का मंदिर। गाइस अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, बोल गाइस। अभी हम आए थे ये शेषनाग मंदिर जटा शंकर में, अब आएंगे तो यहाँ जरूर आना। और ये पंडित जी हैं। सो गाइस ये है यहाँ की लेक जो कि इसको क्या बोलते हैं, झील, लेक, झील।